नमस्कार। तस्वीरें आप इस समय जो हैं वो मढ़ ब्लॉक के स्माइलपुर से देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय जगोराम जी की इस समय जो आज पुण्यतिथि है उसी के चलते उनको याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय स्माइलपुर में बटवाल बरादरी कमेटी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम इनके मेम्बरान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है। तस्वीरें इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ब्लॉक मढ़ स्माइलपुर से दिखा रहा हूं। यहां पर एक बार मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय जगोराम जी की आज पुण्यतिथि है, यानी कि डेथ एनिवर्सरी है, उसी के चलते आज उनको जो है श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है, याद किया जा रहा है। तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं इस समय एनईएस डिजिटल टीवी के माध्यम से जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं। और अगर बात की जाए तो स्वर्गीय जगोराम जी की अगर बात करें तो इन्होंने ना ही बल्कि बटवाल बरादरी की अगर बात करें तमाम जम्मू के डोगरों के लिए सेक्रीफाइस किया है। इन्होंने जो उस समय आंदोलन किया है उसी के चलते अगर आज बात करें तो आरक्षण भी जिस तरह से मिलता है वो एक स्वर्गीय जगोराम जी की एक बड़ी देन यहाँ पर जो है वो जम्मू के लोगों के लिए है। और तस्वीरें इस समय मैं आपको जो है वो एक बार फिर से बता दूं कि स्माइलपुर से दिखा रहा हूं। यहाँ पर एक स्वर्गीय जगोराम जी की एक यहाँ पर जो स्टेचू इनका लगाया गया है, जो यहाँ पर इनकी प्रतिमा लगाई गई है उनको याद करने के लिए, तमाम इनके जो बरादरी के आने वाले युवा हैं वो इस चीज को समझ सकें कि जो स्वर्गीय जगोराम जी ने इस बरादरी के लिए किया है उन तक भी ये संज्ञान जो है वो पहुंचे। और यह तस्वीरें इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्रद्धांजलि जो है इनको अर्पित की जा रही है, फूलमालाएं इनको जो है यहाँ पर डाली गई है। और तमाम बटवाल बरादरी कमेटी के यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, उनके उपाध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे आज इस तरह से स्वर्गीय अपना जगोराम जी की आज पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? मैं रिटायर सूबेदार मेजर रमेश सरगोत्रा, प्रेसिडेंट ऑफ बटवाल महासभा जम्मू एंड कश्मीर, आज स्माइलपुर गाँव में स्वर्गीय जगोराम की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पूरी बटवाल बलादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। स्वर्गीय जगोराम ने की डेथ जो है 1957 में हुई थी और इसका जो है दूसरा प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 2022 में हमने ये कार्य शुरू किया था, आज दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। श्री जगोराम जी ने हमारे समाज के लिए, हमारे बटवाल बलादरी के लिए और अन्य जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया, और ये एनसी के वर्कर थे, शेख साहब से भी इनका काफ़ी लगाव था, जो हमें आरक्षण के लिए इन्होंने जिदोजहद किया था। आरक्षण हमें इनकी डेथ के बाद हमें मिली थी और इन्होंने 14 दिन का परेड ग्राउंड में धरना दिया था, वहाँ पर इनको शेख साहब की जो टीम थी उस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट वो उनको लेकर गाँव स्माइलपुर में सम्मानित किया था और यहाँ पर लेके उनको छोड़ने के लिए आई थी। आज पूरी बटवाल बलादरी इनकी देनदार है, क्योंकि इन्होंने समाज को बहुत ऊपर उठाया था। इनकी टीम में हमारे हरि सिंह जी जो के सामाजिक के रहने वाले हैं लंगे हैं, और गदर्भ जी जो के सुहागणी के रहने वाले हैं, पाऊ कास्ट के हैं, राजपूत के, और एक इंद्र जी हैं वो देजक के रहने वाले हैं। ये इनकी टीम थे, ये उनके प्रेसिडेंट थे और इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इस टीम ने काम किया था। जय हिंद जय। सर, मैं रामलाल लखोत्रा और ये जो बटवाल जगोराम जी का ट्रस्ट है उसका मैं ट्रस्टी भी हूँ। आज हम लेट श्री जगोराम जी का 66वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। जहाँ तक श्री जगोराम जी का परिचय है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट या बटवाल कम्युनिटी के लिए ही नहीं, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है। वो शेख साहब के साथ उन्होंने काम किया, शेख साहब से काफ़ी उनका लगाव था और उनके साथ जैसे हमारे समाजक से हरि सिंह जी थे और सुहागणी से वहाँ जालदार हुआ करते थे गदर्भ सिंह जी, और भदरोड़ से
इंद्र सिंह जी जे सारे मिलजुल कर इन्होंने एक कमेटी बना रखी थी सर्व समाज के लिए, जहाँ भी कोई अन्याय होता था ये पूरा शाना बशाना होकर उसके साथ मतलब न्याय के लिए अगर गवर्नमेंट से लड़ना पड़े या किसी दूसरे समाज से किसी से लड़ना पड़े लड़ते थे। और इन्होंने आज हमें दुख इस बात का होता है कि ये एक बटवाल कम्युनिटी थोड़ी अनपढ़ मतलब कम पढ़े लिखे होने की वजह से जो काम जग्गो राम जी ने 96 में कर दिया था उसको नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उसका जो इतिहास रहा वो किसी ने मतलब उसको नहीं किया। जैसे अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन हमें 1970 मिला और 97 में स्वर्गीय अमरनाथ जी शहीद हुए। हम इस बात से बिल्कुल मानते हैं कि उनका पूरा योगदान है, लेकिन इस मोमेंट को शुरू करने वाले बटवाल जग्गो राम जी थे, लेकिन उनको इन्होंने भुला दिया। और इनके मतलब बहुत से ऐसे कारनामे हैं जो हम सुनते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि उस जमाने में आज से 66 साल पहले 70 साल पहले जो वो इतना आज हम भी सोशल वर्कर हैं इतना हम नहीं कर पाते हैं जितना वो उस समय में करते थे। लिहाजा ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो भी इस प्रोग्राम को देखें, मेरी सभी से दरख्वास्त है कि श्री जग्गो राम जी का इतिहास जो हम भूल चुके हैं उसको थोड़ा याद किया जाए। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। आज सबसे पहले मैं NES मीडिया कर्मी का और इनकी जो सभी जो पार्टी हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मार ब्लॉक सुमेलपुर गांव में जो लेट स्वर्गीय जग्गो राम जी आज उनकी पुण्यतिथि उनको श्रद्धांजलि दी गई। मैं पूरी बटवाल बिरादरी महासभा जितने भी JNK के बटवाल बिरादरी है मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि आज जो इनके श्रद्धांजलि पर जितने भी मेन जो महापुरुष जो बटवाल बिरादरी की जो क्रीमें हैं कैप्टन ओम प्रकाश जी, रामदयाल जी, हमारे सरपंच साहब, बोतल लाइनमैन फोरमैन साहब, जितने भी मेरे साथी हमारे प्रधान रमेश सरगोत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी रामलाल जी और चेयरमैन कमल सिंह जी, जितने भी हमारे साथी हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जग्गो राम जो स्वर्गीय जग्गो राम जी थे उन्होंने JNK जम्मू कश्मीर के लिए इतना उन्होंने काम किया, हर कौम के लिए काम किया उन्होंने। इनकी एक टीम थी, ये उस टीम के प्रेसिडेंट थे। और मेरा यही एक मैसेज है पूरी बटवाल बिरादरी से, एक साथ मिलकर रहें, भाईचारे से रहें। हमारी पूरी बटवाल बिरादरी के जो हमारे गुरु जी हैं वो शहजादपुर मराठा में हैं, गुरु ग्यागी जी। वहाँ हम जो भी चरण स्पर्श करते हैं वो हमारे गुरु जी हैं। वहाँ कई जगह हमने कुछ देखा कि कोई एक दूसरे के साथ जो आर्गुमेंट वगैरह होती हैं, वहाँ कोई गाली गलौज वगैरह होता है, तो हम वो नहीं चाहते थे कि वहाँ वो बातें ऐसे हों। आज इन्होंने इनकी बदौलत जो हमारी जो बटवाल महासभा की जो बिरादरी जो आज इकट्ठी हुई है, जिनकी बदौलत आज लेट स्वर्गीय श्री जग्गो राम जी की जो स्टैचू लगाया गया है, इनकी एक पहचान दी गई है इस बटवाल महासभा ने। मैं इन सबको जितनी जो टीम है बटवाल महासभा की, इनके प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मैनेजर धुनीराम साहब, जितने भी है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और मैं अपने साथियों को, बटवाल बिरादरी को, सभी कौम को ये चाहता हूं कि एक साथ में मेल जोल कर रहें और इकट्ठे रहें, भाईचारे से रहें। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं कमल सिंह कैथ, बटवाल महासभा का चेयरमैन। सर, अज जिस पुण्यतिथि पर अस इकट्ठे हुए हैं स्वर्गीय श्री जग्गो राम जी, ये इतिहास जिहड़ा है सर्व समाज वास्तै, ये खाली बटवाल बिरादरी दी नहीं, सर्व समाज वास्तै जिन्ना भी काम किया सरकार कन्नै लड़ने का, ये जिहड़े मतलब टीम के प्रेसिडेंट हे ठाकर हरि सिंह लंगे समचक दे, इंद्र सिंह गंधर्व सिंह सुहागणी दे, इंद्र सिंह इत्थों वाले जिहड़े गोली कन्नै शहीद होई गए, साई हां चेयरमैन इत्थों दा पौनी चक दे सरपंच हा, ते इह इहदे प्रेसिडेंट हे। कुतै भी जिसलै सरकार कन्नै केह् हुंदा हा, जमीन सरकारी हुंदी ही,
मजारे बांधे हे गल्ला जबरदस्ती जियां बाबा जित्तो कन्नै हुंदा इयां गै इन्हें लोकें गरीबें कन्नै हुंदा हा भाई गल्ला भरियै जबरदस्ती लेई जांदे हे। फिर इन्हें गौरमेंट कोला हक हकूक अपने मनवाए मनवाइयै ते इन्हें केह् कम्म कीता भाई गौरमेंट की कीता इन्हें भाई असें एह्दे कोला अद्ध लैणा है बाहने वाले को अद्ध लैणा ते सरकार नहीं ही पुलिस लई आउंदे हे लोकें बोल होने से मतलब क्वेश्चन है बोला पर डरदे जाना नहीं है ये को आना चाचा जगो चल साड़ा बोल नहीं अही मिन दिया उन्हें कहा चलो फिर इन्हें कुंडा फड़े होना तो पोतरा मतलब जात कनारे चुके होना तो चली जाना जल्द चली जाना महाराज जाइए तो कुंडा ताड़ना तो उन्हें आखना बुलाई लो खच्चरां घोड़े बुलाने उन्दे आले दाने हे जेहड़े सरकारी उहदा ढेर लाने बाकी आले लद्दिए खच्चरे पर घरे लई जांदे हे। फिर जियां इह जे मतलब अपने प्रांत आ गए ना उहदे कोल पहले धरने पर बैठे ने जम्मू धरने पर बेहिया जम्मू स्टेट जिहड़ी है इह हिंदुस्तान का अटूट अंग है इत्थे हिंदुस्तान के कानून लागू घट हे इह जी रिजर्वेशन है ये सब तो पहले श्री जगो राम ने गए इतने रिजर्वेशन लागू करवाई धरने रवैया त्रै ब्लाक रिजर्व करवाई है आर एस परा बिशना और मढ़ ब्लाक त्रै रिजर्व करवाई है तो फिर यह गल है बैठे ने इतना शुक्रिया सर। माता की जय भरत माता की जय भरत माता की जय स्वर्गीय श्री जगो राम जी अमर रहे स्वर्गीय श्री जगो राम जी अमर रहे स्वर्गीय श्री जगो राम जी अमर रहे।